YouTube चैनल माई क्लासरूम लेक्चर में तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स से जैक बोर्ड वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2023। कल जो आपका एग्ज़ाम है फिजिक्स का, उसमें वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, तो चलते हैं। चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन। पहला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट इज। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट का वैल्यू क्या है, यानी कैपिटल जी का आपका वैल्यू क्या है। कैपिटल जी को ही बोला जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, तो उसका वैल्यू होगा 6.67 × 10⁻¹ⁱ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और यदि यूनिट कहीं कहीं पूछता है तो यूनिट ये होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अर्थ मूव इन ए सर्कुलर मोशन अराउंड द सन बिकॉज ऑफ डैश फोर्स। अर्थ जो सन के चारों ओर घूमता है किस फोर्स के कारण चलता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण घूमता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सबस्टांस। तो डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम होता है, डेंसिटी बराबर होता है आपका मास बाय वॉल्यूम। तो इसका क्या होगा आंसर, ना डेंसिटी होगा। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी का क्या यूनिट है, ना रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होता, नो यूनिट। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ इंक्रीजेज विथ, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी स्मॉल जी कब आपका इंक्रीज करता है, ना डिक्रीज इन द हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। डिक्रीज इन द हाइट किससे, सरफेस ऑफ अर्थ से। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑफ द लिक्विड इज ट्रांसमिटेड इक्वली एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल डायरेक्शन इज गिवेन बाय, ये लॉ कौन दिया है, ना पास्कल दिया है, पास्कल्स लॉ। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हिच लॉ डिस्क्राइब द ऑर्बिट ऑफ ए प्लैनेट अराउंड द सन, ना केपलर्स लॉ, केपलर्स लॉ, केपलर्स ने दिया है। व्हिच लॉ डिस्क्राइब द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, सन के चारों ओर जो ऑर्बिट करके घूम रहा है प्लैनेट, किस लॉ के अनुसार, न केपलर्स लॉ के अनुसार। एस्केप वेलोसिटी विल बी, एस्केप वेलोसिटी कितना होता है, 11 किलोमीटर पर आवर। मिनिमम वेवलेंथ, गामा रे का सबसे ज़्यादा मिनिमम वेवलेंथ, यदि आपका ऑप्शन दिया रहेगा तो उसमें गामा रे आप चुनिएगा। मिनिमम वेवलेंथ इसका होता है ना गामा रे का, गामा का साइन आपका इस तरह का होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका द पीरियड ऑफ जियोस्टेशनरी आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज 24 आवर होता है। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग हैज मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर, किसका मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर होता है, ना गामा रे का, गामा का साइन इस तरह रहेगा आपका, गामा रे का मिनिमम मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर होता है। नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं। चैप्टर का नाम है आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। क्वेश्चन नंबर 1, द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज न्यूटन पर मीटर। यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज न्यूटन पर मीटर, एन बाय एम। हाइड्रोलिक लिफ्ट एंड हाइड्रोलिक ब्रेक आर बेस्ड ऑन, हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक जो आपका होता है किस बेस्ड रहता है, न पास्कल लॉ के ऊपर बेस्ड है पास्कल। व्हाट इज द रिलेशन अमॉन्ग फोर्स प्रेशर एंड एरिया, फोर्स प्रेशर और एरिया में क्या आपका रिलेशन है, ना प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, ये वाला रिलेशन है, प्रेशर इक्वल टू आपका फोर्स बाय एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, लिक्विड प्रेशर डिपेंड्स अपॉन हाइट ऑफ द लिक्विड कूलम, ये आपको याद रखिएगा, लिक्विड कूलम, लिक्विड प्रेशर डिपेंड्स अपॉन लिक्विड कूलम, हाइट ऑफ द लिक्विड कूलम। द क्रिटिकल टेम्परेचर द सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड इज 0, क्रिटिकल टेम्परेचर सरफेस टेंशन क्या होता है, 0 में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर टेप वाटर एंड क्लीन ग्लास द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज, टेप वाटर क्लीन ग्लास में एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कितना होता है, 8 डिग्री। नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं आपका थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। नेक्स्ट चैप्टर क्या है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ऐसा यूनिट ऑफ हीट क्या होता है, जूल। ऐसा यूनिट ऑफ हीट एनर्जी इसका भी जूल होता है।
यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या है? केल्विन। थर्मल इक्विलिब्रियम इम्प्लाइज इक्वालिटी ऑफ डेस, टेम्परेचर होगा आपका आंसर। थर्मल इक्विलिब्रियम इम्प्लाइज क्वालिटी ऑफ डेस, बहुत सारा ऑप्शन दिया रहेगा उसमें आपसे आप टेम्परेचर को चुनना है। द गुड एब्जर्वर ऑफ हीट आर गुड इमिटर, गुड एब्जर्वर ऑफ हीट जिसमें होगा वो गुड इमिटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मेटल सीट विथ ए सर्कुलर हॉल इज हीटेड, एक मेटल सीट का सर्कुलर हॉल को यदि हीट करेंगे, द हॉल इज गेट लार्जर, हॉल क्या होगा? बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ल्स लॉ इज गिवन बाय, इसका आंसर हो जाएगा वी बाई टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। चार्ल्स लॉ इज गिवन बाय, चार्ल्स लॉ क्या होता है? वी बाई टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वी बाई टी वी वाई टी इक्वल टू आपका क्या होता है? कॉन्स्टेंट। वी वाई टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज डब्ल्यू बाई एम स्क्वायर के स्क्वायर, सरफेस टेंशन का यूनिट क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट आपका, डब्ल्यू बाय एम स्क्वायर के स्क्वायर। द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज -273.15 डिग्री सेल्सियस, ये आपका याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज -273.15 डिग्री सेल्सियस। इन विच प्रोसेस द रेट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट इज मैक्सिमम, रेडिएशन होगा। किस प्रोसेस में रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इज मैक्सिमम? रेडिएशन। नेक्स्ट चैप्टर ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, नेक्स्ट चैप्टर थर्मोडाइनमिक्स का ऑब्जेक्टिव ऊपर चर्चा करेंगे। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या बताता है? हीट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है। एक तो व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज ए स्टेट वेरिएबल, ना इंटरनल एनर्जी, बहुत सारा आपका ऑप्शन दिया गया रहेगा उसमें सबको चुनना है इंटरनल एनर्जी। द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड करता है इंटरनल एनर्जी? ना टेम्परेचर के ऊपर। थर्मोडाइनमिक्स इज द डेस्ट साइंस, थर्मोडाइनमिक्स आपका क्या साइंस है? मैक्रोस्कोप साइंस है। ऐसा यूनिट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज kg-1 gk-1, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्रोसेस इन विच प्रेशर ऑफ ए सिस्टम इज कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड आइसोबेरिक प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच प्रेशर ऑफ ए सिस्टम इज कॉन्स्टेंट, प्रेशर आपका कॉन्स्टेंट होता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेशर जिसमें कॉन्स्टेंट होगा, ना आइसोबेरिक प्रोसेस। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस द आइडियल गैस इक्वेशन बिकम्स पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? न कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। द स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज गिवन बाय डेल क्यू इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, डेल क्यू इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। द स्टेट ऑफ थर्मोहाइड्रामिक सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय, द स्टेट ऑफ थर्मोडाइनामिक सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय, किसके ऊपर रिप्रेजेंट है? प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर ऊपर। नेक्स्ट चैप्टर हम चलते हैं, काइनेटिक थ्योरी चैप्टर का नाम है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस प्रोवाइड ए बेस फॉर, किसके ऊपर बेस है? ना चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ के ऊपर बेस है, चार्ल्स एंड बॉयल्स। ए हॉटर गैस इंप्लाई हाई एवरेज वैल्यू ऑफ डेस, क्या देता है हाई एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी? के ही देता है। द थ्री स्टेट ऑफ मैटर डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, तीनों स्टेट किसके ऊपर डिपेंड रहता है? टेम्परेचर के ऊपर। इन द इक्वेशन पी वी इक्वल टू आर टू, वी रिफर्स टू द वॉल्यूम ऑफ अ गैस, वन मोल ऑफ ए गैस, वी रिफर्स क्या करता है? वन मोल ऑफ ए गैस। एट व्हाट एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ ए आइडियल गैस, तो जीरो होगा। लिक्विड है वेरिएबल से बट फिक्स्ड वॉल्यूम, लिक्विड का वेरिएबल सेप होता है, जिसमें रखेंगे वही सेप कर लेगा, लेकिन इसका वॉल्यूम क्या होगा?
ना फिक्स्ड होगा, फिक्स्ड वॉल्यूम। हु गेव द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी? मैक्सवेल। ये लॉ किसने दिया इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी? मैक्सवेल। बॉयल्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर एंडेस आइसोथर्मल प्रोसेस। बॉयल्स लॉ किसके ऊपर? आइसोथर्मल प्रोसेस के ऊपर डिपेंड है। यूनिट ऑफ स्पेसिफिक जे बाय के जी डिग्री सेल्सियस। जे पर के जी डिग्री सेल्सियस। द हीट कैपेसिटी पर मोल ऑफ ए वाटर आर यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट इक्वल टू कितना होता है? 9R। एन आइडियल गैस इज दैट व्हिच कैन नॉट बी लिक्विफाइड। एक आइडियल गैस के लिए नॉट बी लिक्विफाइड हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग चलते हैं, जिस चैप्टर का नाम है ऑक्सीलेशन। इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द एक्सेलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सेलेशन किसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? ना डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज नॉट एसेंशियल फॉर ग्रेविटी। ग्रेविटी के लिए कोई जरूरी नहीं है। फॉर एन ऑक्सीलेशन सिंपल हार्मोनिक सिंपल पेंडुलम द टेंशन इन द स्ट्रिंग मैक्सिमम एट मीन पोजिशन। मीन पोजिशन में आपका क्या होगा? मैक्सिमम हो जाएगा। ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेशन किसके ऊपर? ना पैराबोलिक हो जाएगा आंसर। द एक्सीलेशन ऑफ ए पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हेन इट इज एट द मीन पोजिशन क्या होगा? मीन पोजिशन किस में हो जाएगा? ना जीरो हो जाएगा आपका। स्प्रिंग इज पुल्ड डाउन बाय 2 सेकेंड व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन? मोशन क्या होगा? मोशन भी ना आपका 2 सेकेंड ही होगा। द पीरियड ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेशन इन 2 सेकेंड द रेशियो ऑफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी एंड मैक्सिमम एक्सीलेशन इज 1/π हो जाएगा। इसका आंसर होगा आपका 1/π। नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं, जिस चैप्टर का नाम है वेव ऑप्टिक्स, जो कि लास्ट चैप्टर आप लोग का। इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन, इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन के एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। हाइजेंस कॉन्सेप्ट ऑफ सेकेंड वेव, सेकेंड वेव का हाइजेंस कॉन्सेप्ट क्या है? इज ए ज्योमेट्रिकल मेथड टू फाइंड वेव फ्रंट। वेव फ्रंट फाइंड करने का क्या है? ज्योमेट्रिकल मेथड है। वेव फ्रंट फाइंड करने का ज्योमेट्रिकल मेथड। व्हिच टाइप ऑफ वेव शो द प्रॉपर्टी ऑफ पोलराइजेशन? किस तरह का वेव पार्टीशन पोलराइजेशन प्रॉपर्टी शो करता है? ना ट्रांसवर्स वेव। द डिवाइस व्हिच प्रोड्यूस हाईली कोहेरेंट सोर्स इज लेजर हो जाएगा। हाईली कोहेरेंट सोर्सेस इज लेजर। लाइट ट्रांसमिटेड बाय निकॉन प्रिज्म इज क्या हो जाएगा आंसर? न प्लेन पोलराइज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाइट वेव कैन बी पोलराइज्ड बिकॉज दे आर ट्रांसवर्स। लाइट वेव क्या होता है? ट्रांसवर्स होता है, इसलिए पोलराइज्ड हो जाता है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इज, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का मिनिमम वैल्यू क्या है? लेस देन 1 बट नॉट 0। लेस देन 1 से छोटा हो सकता है लेकिन 0 नहीं हो सकता। द लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल इन ए मीडियम वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज इज कॉल्ड वेव फ्रंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें।